गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। और इस वीडियो में मैं आज ये वाला मेकअप लुक शेयर करूंगी जो कि नो मेकअप मेकअप लुक है। यहाँ पे मैंने कोई भी फाउंडेशन कंसीलर हाइलाइटर यूज नहीं किया है। आई होप आपको ये मेकअप लुक पसंद आया है। अगर आपको ये मेकअप लुक पसंद आया तो प्लीज वीडियो आगे तक जरूर देखेगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब बटन के साइड में जो बेल आइकन है वो भी प्रेस करने के लिए बिल्कुल मत भूलिएगा आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए गाइस ज्यादा देर न करते आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस बेस मेकअप से पहले हमें हमारे फेस को हमेशा मॉइस्चराइज कर लेना चाहिए। तो मॉइस्चराइजर के लिए आज मैं यहाँ पे मामाअर्थ का मॉइस्चराइजर लूंगी, और इसको मैं अपने हाथों में लेके अच्छे से रब करते हुए अपने फुल फेस पे अप्लाई करूंगी। तो यहाँ पे मैं अपने फुल फेस पे मॉइस्चराइजर को अप्लाई कर लेती हूँ, और यहाँ पे मैंने अपनी मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लिया है। अभी बारी आता है प्राइमर की। प्राइमर मैं आज ले रही हूँ ब्लू हिवन का ये प्राइमर, जो कि ऑयली स्किन के लिए सबसे ज्यादा अच्छा है। ये एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है। हमें हमेशा फाउंडेशन वगैरह अप्लाई करने से पहले प्राइमर अप्लाई करना जरूरी है। इससे आपका स्किन का जो ओपन पोर्स है वो हाइड हो जाते हैं, और साथ ही साथ आपका जो मेकअप है लॉन्ग लास्टिंग करते हैं और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्राइमर ले लिया है, अपने फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ। मैं अपने फिंगर की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ, आप चाहो तो ब्रश भी यूज कर सकते हो। तो चलो मैं यहाँ पे अप्लाई कर लेती हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने प्राइमर अप्लाई कर लिया है। अभी बारी आते हैं फाउंडेशन की, लेकिन आज हम फाउंडेशन अप्लाई नहीं करने वाले हैं क्योंकि ये नो मेकअप मेकअप लुक है, इसलिए हम बहुत ही लाइट रखेंगे आज के मेकअप। तो उसके लिए फाउंडेशन की जगह पे मैं आज यूज करने वाली हूँ पोन्स बीबी क्रीम, और इसके साथ मैं मिक्स करूंगी मालियाओ का ये स्ट्रोब क्रीम, जो कि बहुत ही अच्छा स्ट्रोब क्रीम है। तो इसे आप अप्लाई करोगी तो आपको अलग से हाईलाइटर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आज के मेकअप लुक के लिए हम स्ट्रोब क्रीम को स्किप नहीं करने वाले हैं, इसीलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप मैं यहाँ पे स्ट्रोब क्रीम लूंगी। तो यहाँ पे मैं हैंड के बैक साइड में ले रही हूँ, और यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ ये मैं पोन्स बीबी क्रीम। अगर आपके पास पोन्स बीबी क्रीम नहीं है, आप चाहो तो फाउंडेशन भी यूज कर सकते हो, लेकिन मुझे आज हैवी लुक नहीं चाहिए इसीलिए मैं यहाँ पे पोन्स बीबी क्रीम यूज कर रही हूँ। और इसको मैं अपने फिंगर की हेल्प से अच्छे से दोनों को मिक्स करूंगी, और यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इसे मैं अपने फुल फेस पे डॉट डॉट करते हुए अप्लाई कर लूंगी। और अभी इसे मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी, आप चाहो तो ब्रश भी यूज कर सकते हो। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्रीम, स्ट्रोब क्रीम और बीबी क्रीम अप्लाई कर लिया है, और इसे अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हो मेरा हाई पॉइंट पे कितना अच्छा एक ग्लो आ गया है, आप देख सकते हो। यही एक खास बात है स्ट्रोब क्रीम की, तो इसीलिए स्किप नहीं करना है आपको स्ट्रोब क्रीम इस लुक के लिए। तो फेस को हाईलाइट करने के लिए हम अलग से कंसीलर नहीं लेंगे, हम यहाँ पे यही पोन्स बीबी क्रीम लेंगे और इसे थोड़ा सा लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं लेने वाले हैं, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मैंने ले लिया है। इसको मैं अपने आईलिड पे अप्लाई करूंगी ताकि मेरा जो आई से थोड़ा सा इनहेंस हो जाए। इसे मैं अपने फिंगर की हेल्प से मैं अप्लाई कर लेती हूँ, और अपने अंडर आई पे भी अप्लाई करूंगी ताकि मेरे जो डार्क सर्कल है वो भी हाइड हो जाए। तो यहाँ पे मैं एनओएपे का कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ, इसको मैं अपने अंडर आई पे अप्लाई करूंगी। नोज पे जैसे हम कंट्रोल करते हैं उसी तरीके से हम कॉम्पैक्ट पाउडर से कंट्रोल करेंगे। ऐसे करने के बाद आपको अलग से कंट्रोल करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये नो मेकअप मेकअप लुक है, इसीलिए बहुत ज्यादा कंट्रोल करके हम अपनी लुक को हैवी नहीं करना चाहते हैं। और अपनी कंट्रोल लाइन के नीचे भी सेम प्रोसेस से अप्लाई करूंगी। इसे 10 मिनट में रखती हूँ, उसके बाद मैं इसको निकाल लूंगी। तो यहाँ पे 10 मिनट हो गया है गाइस, यहाँ पे मैं अभी इसको ऐसे निकाल लूंगी। तो गाइस अभी बारी आता है ब्लशर की। क्रीम ब्लशर मेरे पास नहीं है, पाउडर ब्लशर मैं यूज नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे एक ग्लो चाहिए था। तो यहाँ पे मैं यूज करने वाली हूँ आज मेबलिन का लिपस्टिक, जिसका शेड नंबर है 641, और इसको मैं अपने चिक पे अप्लाई करूंगी। कुछ चिक पे अप्लाई करने के बाद मैं इसको वही ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर दूंगी। तो
तो गाइस यहाँ पे मेरा बेस मेकअप हो गया है। अभी मैं अपनी आईब्रोज को फिल करूंगी। आईब्रोज को फिल करने के लिए मैंने यहाँ पे एडीएस का ये पेंसिल लिया है, ये ब्राउन शेड में लिया है। इससे मैं अपने आईब्रोज को फिल करूंगी। मेरा जो आईब्रो शेप है वही शेप में ही मैं रखूंगी। और उसके बाद मैं एक स्पूली की हेल्प से इसको अच्छे से मैं सेट कर लूंगी ताकि जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो निकल जाए और नेचुरल लगे। तो गाइस यहाँ पे मैंने अपने आईब्रोज को फिल कर लिया है। अभी मैं अपने आई मेकअप के लिए कुछ भी आई शेडो वगैरह अप्लाई नहीं करूंगी। मुझे सिर्फ काजल अप्लाई करने हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मार्स का काजल ले रही हूँ और उसको मैं अपने अपर वाटर लाइन पे अच्छे से अप्लाई कर लूंगी ताकि मेरा जो आईज है थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगे। तो अपर वाटर लाइन पे अगर आपको अप्लाई करना दिक्कत होता है तो आपको एक फिंगर की हेल्प से अपने आईलिड को लिफ्ट करना है, ऊपर की तरफ खींचना है, ऐसे उठाने, फिर इस तरीके से आपको अपर वाटर लाइन पे काजल अप्लाई कर लेना है। और यहाँ पे मैंने अपनी काजल को अप्लाई कर लिया है अपनी दोनों आईज पे। अभी मैं मस्कारा अप्लाई करूंगी, लेकिन मस्कारा अप्लाई करने से पहले मैं अपने कर्लर्स की हेल्प से मैं अपने आईलेस को कर्ल्स कर लूंगी क्योंकि हम आज अलग से आईलेसेस अप्लाई नहीं करने वाले हैं। और उसके बाद अभी मैं मस्कारा अप्लाई करूंगी। मस्कारा के लिए आज मैंने मियोन का मस्कारा लिया है, बहुत ही अच्छा मस्कारा है, वाटरप्रूफ मस्कारा है, बहुत ही अफोर्डेबल भी है। वहाँ पे मैं अपने मस्कारा को एक कोट लगाने के बाद इसको ड्राई होने दूंगी, फिर दूसरा कोट में अप्लाई करूंगी। तो यहाँ पे मेरा जो मस्कारा है ड्राई हो गया है, फिर से मैं अभी अपने आईलेस को कर्ल्स करूंगी। फिर मैं अभी फिर से मैं मस्कारा अप्लाई करूंगी, सेकेंड कोट अप्लाई कर रही हूँ। अगर आपने ऐसा कभी भी मस्कारा अप्लाई नहीं किया है तो आप अप्लाई करके देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। मैं जब भी मस्कारा अप्लाई करती हूँ तो मैं ऐसे ही मस्कारा अप्लाई करती हूँ जिस दिन मुझे आईलेस वगैरह अप्लाई नहीं करना होता है। तो अभी मैं अप्लाई करूंगी लिपस्टिक जो कि मैट लुक की तरफ से है, बहुत ही न्यूड लिपस्टिक है, बहुत ही अच्छा लिपस्टिक है, क्रीमी लिपस्टिक है। अगर आपको लिपस्टिक अप्लाई नहीं करना है तो आप डेफिनेटली लिप बम अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं अभी लिपस्टिक ही अप्लाई कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा मेकअप हो गया है, अभी मैं चेंज करके फिर वापस आती हूँ।